जोहार मास्टर जी, राउर के भी जोहार। जोहार जोहार पर्वतिया जी, का बात है, आज तो बहुत खुश खुश दिखा दी रहे हैं। मास्टर जी, राउर से मिली ला होले जानी ला कि हमार सब जितना पूछे समझे चीज है से मन सब होवी से ले खुश रही ला। क्या बात है, देखिए ना, बिल्कुल मतलब जब खुशी की बात होती है तो मेरे से भी आपकी ही भाषा निकल जाती है। किसान भाइयों, हम चाहते हैं कि आप भी इसी प्रकार खुशहाल रहें। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, है ना पर्वतिया जी? हाँ मास्टर जी, यार हमके पूछा कि सबके से पहले तो आप रावरे एकदम बढ़िया बढ़िया समाचार देखें। हाँ एकदम एकदम, हम अभी देखते हैं कृषि समाचार, खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें, मंडी भाव और मौसम का हालचाल कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत चलाई जा रही है दुधारू मवेशी वितरण योजना। खेत की तैयारी के दौरान लाभप्रद है चूने का प्रयोग। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है डस्टर। राज्य में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में दुधारू मवेशी वितरण की योजना चलाई जा रही है। यह मवेशी लाभुकों को सरकारी अनुदान या बैंक ऋण पर दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अनुदान या बैंक ऋण पर दुधारू मवेशियों के वितरण की योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक, स्वयं सहायता समूह, दुग्ध समितियों के सदस्य, युवा शिक्षित बेरोजगार, साथ ही छोटे बड़े व्यवसायी भी अपने जिले के गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी फसल की अच्छी उपज पाने के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें मिट्टी की प्रकृति के विषय में विचार करना बहुत जरूरी होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार हमारे प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है, जिसमें किसी भी फसल के लिए खेत की तैयारी के दौरान चूने का प्रयोग करना लाभप्रद होता है। किसान भाई अपने खेतों में कोई फसल लगाएं, लगाने से पूर्व लाइन में फसल बुआई के ठीक पहले चूने का प्रयोग प्रति एकड़ 1.25 क्विंटल के दर से करें। अगर लाइन में वे नहीं डालते हैं, छीटा विधि से डालेंगे तो उनको यही चूना 10 गुना डालना होगा, और चूना भूरका चूना होना चाहिए, डायरेक्ट जो बाजार में मिलता है जो कि पानी को गर्म कर देता है वो चूना नहीं। उस चूना को प्रयोग करना है तो पहले उसे भूरका बना लें। वैसे तो दलहनी फसलें मुख्य रूप से जून जुलाई के महीने में बोई जाती है, परंतु मूंग की फसल जून जुलाई के साथ मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक भी बोई जा सकती है। गर्मा मूंग की अच्छी उपज पाने के लिए किसान SML 668 नामक उन्नत प्रभेद की बुआई कर सकते हैं। यदि किसान भाई गर्मा मूंग की फसल लगाना चाहते हैं तो उनके लिए SML 668 नामक मूंग के बीज उपयुक्त किस्म है। ये किस्म गर्मा फसल लगाने के योग्य तो है ही, साथ ही रोग अवरोधी भी है। मध्य मार्च से मध्य फरवरी तक ये किस्म 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके मूंग की लगभग 12 से 15 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। हमारे झारखंड प्रदेश में अरहर की फसल प्रमुखता से लगाई जाती है। अरहर के लगाए गए फसलों में अब फलियां आने का समय है। इस समय इनमें कई प्रकार के कीटों का प्रकोप होने की संभावना रहती है, जो फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट कौन से हैं और इनका निदान कैसे हो, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाई, अरहर अपने फली के अवस्था में है और जैसा कि आप देख रहे होंगे कुछ कुछ खेतों में कीट का प्रकोप प्रारंभ हो चुका है, और किसान भाई इस प्रकोप से किसान आपको काफ़ी हानि पहुंचती है। ऐसी अवस्था में आपको चाहिए कि आप तुरंत ही मोनोक्रोटोफॉस नाम की एक दवा का उपयोग शुरू कर दें, इसका प्रयोग की दर 1 लीटर पानी में 1.5 ml से लेकर 2 ml डालकर इसको 10 दिन के अंतराल पर अगर आप यदि आप छिड़काव करते हैं तो आप इस फली छेदक कीट से नियंत्रण पा सकते हैं। कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों पर दवा का छिड़काव करना होता है।
पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करने के लिए कृषक डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर रूपी रासायनिक दवाओं का फसलों पर छिड़काव हाथों से करने पर बहुत तरह की समस्याएं आती हैं और दवा एक समान फसलों पर बिखरता भी नहीं। इस कार्य को इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता से करने पर दवा का छिड़काव एक समान पूरी फसल पर होता है और अनावश्यक दवा की बर्बादी भी नहीं होती और हाथों द्वारा छिड़काव से होने वाली परेशानियों से भी यह निजात दिलाता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। आज मिलते हैं ऐसे ही एक किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। इनके सफल खेती के विषय में पूछने पर ये बताते हैं कि नई उपलब्धियों के प्रति सजग रहना इनकी आदतों में शुमार है। हर नई चीज को सीखने के लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। खेती बाड़ी में भी नई तकनीकों को सीखने में ये पीछे नहीं रहे। इन तकनीकों का इस्तेमाल कर खेती करने से इन्होंने सफलता पाई और आज सफल किसानों की कतार में आगे हैं। हम खेती बाड़ी करते हैं, ऐसे पढ़ाई लिखाई में हमारा बहुत कम है, लेकिन पहले ही से हम खेती बाड़ी में जुड़े हुए हैं और बिरसा एग्रीकल्चर में भी हम जाकर ट्रेनिंग किए हैं और इधर तो अब वैज्ञानिक ढंग से खेती बाड़ी हो रहा है, हाइब्रिड का बीज उज आ रहा है, उसमें हम लोग को खेती बाड़ी में बहुत मुनाफा हो जाता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्नों के मामले में बाजार की स्थिति में पिछले कुछ हफ्तों से तेजी का ही रुख रहा है। बाजारविदों के अनुसार ये तेजी अभी बरकरार रहेगी। सब्जी मंडियों में फिलहाल नरमी का रुख है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2300 रुपए से लेकर अधिकतम 2800 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6000 रुपए से लेकर अधिकतम 6750 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4100 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6000 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो मास्टर जी, समाचार तो बड़ा बढ़िया बढ़िया बताया दिली रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे पहले कि आप आज और अगला कोई सवाल पूछें, हम चाहते हैं कि हम पहले एक छोटा सा विराम ले लें। क्यों, ठीक रहेगा ना? एकदम ले लो। तो किसान भाइयों, आप बने रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं छोटे से विराम के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम कर बात देखो, मैंने एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है।
तो मास्टर जी अब तो बारी हमर हो गेलक शुरू, एकदम बिल्कुल आप एकदम शुरू हो जाइए, शुरू हो जाओ। तो हम के पूछे रहे कि आप तनी मौसम बदली तो है तनी बेरा, लेकिन जो हमरे गर्मी में फसल ले मिला तो सिकर शुरुआत खेत माने एखन से करे चाहिए। बिल्कुल 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 सही बात तो यही है पर्वतिया जी की, अब जाड़े की समाप्ति है और जो गर्मा फसलें हैं उनकी तैयारी का वक्त हो गया है, बल्कि कुछ गर्मा फसलें हम लोग लगा भी चुके हैं, उनकी देखभाल की भी जरूरत है। तो उकरे बारे में तनी बढ़िया से बता दो। बिल्कुल हमो सीख ले और हमर देखवैया मन भी सीख ले। तो किसान भाइयों चलिए आज कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले यह दिखाते हैं कि गर्मा फसलों की जो सामयिक देखभाल है वो आप कैसे करेंगे, और इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों कृषि दर्शन की टीम आज मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र गिरडी में। किसान भाइयों आज हमने विषय लिया है कि गर्मा सब्जियों की फसलों में किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, इसी संबंध में आपसे मुलाकात करा रहे हैं यहीं के विशेषज्ञ। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि गर्मी के मौसम में जी हाँ जो सब्जियां वो उत्पादन करेंगे वो किन किन बातों पर ध्यान देंगे। हाँ किसान भाइयों गर्मी के मौसम में जो भी आप सब्जियाँ उगाते हैं उनको उगाते जब हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि उनको पोषक तत्व सही मात्रा में मिले। अगर सही मात्रा में नहीं मिलेगी तो आपका फसल कभी भी अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ फसलों में बहुत सारे जो आप बीमारी कहते हैं जो कि पोषक तत्व की कमी से होता है वो हो सकता है। जैसे अगर आप अपने खेतों में बोरोन नहीं डालेंगे, बोरोन मिलता है सुहागा से, सुहागा आप अपने खेतों में 4 किलो प्रति एकड़ के दर से डालें, बोरोन यदि नहीं डालेंगे तो क्या होगा, आप जैसे बैंगन की खेती करते हैं गर्मी या किसी भी मौसम में तो बैंगन के पत्ते छोटे छोटे रहेंगे, फूल लगेगा फल नहीं लगेगा, फल लग भी गया तो फल बहुत छोटे रह जाएंगे, इस तरह से आपका उपज सारा मार खाता है। अगर आप अगात खेती करते हैं गर्मा फसलों का सब्जियों का, उसमें कभी कभी टमाटर भी लोग लगाते हैं, टमाटर में बगैर आपका बोरोन नहीं है तो आप देखते होंगे कि फल हमारा फटता है, तो इसलिए अपने खेतों में पोषक तत्व तो सही मात्रा में डालिए ताकि वो फसल आपको अच्छा पैदावार दे और आपको अच्छा कीमत बाज़ार में मिले। इसी तरह से आप रोग वगैरह लगने के लिए गर्मी में एक कीड़ा होता है जिसको कि हम लाल मकड़ी कहते हैं, वो गर्मी के मौसम में अधिकतर सब्जियों पर प्रकोप उसका होता है। आप देखिएगा किसी भी फसल के तो पत्ते पलट कर देखिए नीचे की ओर लाल चौड़ाई में बना हुआ रहेगा कुछ उठा हुआ, वो क्या है, वही है लाल मकड़ी। तो इसकी रोकथाम के लिए आप अपने फसलों में पहले से ही कैराथेन नाम की दवा 1 ग्राम प्रति लीटर के दर से घोल करके पत्ते के दोनों साइड में आपका स्प्रे होना चाहिए। केवल हम लोग किसान भाई जो भी खेत में स्प्रे करते हैं केवल ऊपर से स्प्रे करते चल जाते हैं, ये तक बदल करके हैबिट को और पत्ते के दोनों साइड में पड़ सके इस तरह का आचरण करके हम लोग फसल को बचा सकते हैं। इनके अलावे में गर्मी में आप यदि भिंडी की खेती करते हैं तो देखिएगा कि भिंडी जन्म तो जाता है लेकिन जन्मने के साथ साथ वो गलने लगता है, उसके लिए आप अपने खेतों में पहले से ही बैविस्टिन नाम की दवा को बुआई के बाद में जब जन्मता है भिंडी उस समय आप वहां पर बैविस्टिन नाम की दवा को 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से घोल तैयार करके और जड़ के पास वाले हिस्से को सिंचित कर दें और पौधे के ऊपर भी स्प्रे कर दें। इनके अलावे में आपको लत्तर वाली जो सब्जियां हैं उसमें कुछ कीड़े लगते हैं, जैसे कि आप देखिएगा कद्दू में लाल लाल कीड़ा आता है, उसके लिए किसान भाइयों आप दवा का स्प्रे अपने खेतों में करें। दवा क्या डालेंगे तो इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से। अगर आपको दवा नहीं मिल पाता है तो किसान भाइयों जैसे ही नज़र आए आपको कुछ नहीं करना है, आप अपने घर में जो राख है राख को मिट्टी तेल के साथ मिला करके और अपने पौधे के ऊपर पत्ते के ऊपर छिड़क दीजिए, इससे भी आपको बहुत हद तक इस कीड़े से निजात मिलेगा। किसान भाइयों गर्मियों में जब हम फसल की खेती करते हैं तो खासकर कद्दू वर्गीय सब्जियों में हमें एक समस्या आती है कि फूल तो हमें लगते हैं लेकिन फल नहीं मिलते, ये होता है क्यों, इसका कारण है कि हर एक जीव जंतु को भगवान ने 2 रूप में बांट रखा है, मर्द और औरत। इन सब्जियों में भी
फूल जो आ रहे हैं गर्मी ज़्यादा होने के कारण वो फूल औरत फूल ना होकर के वो मर्द फूल है और उससे फल नहीं मिलता है। औरत फूल बनने के लिए आप इन फसलों के ऊपर कृत्रिम बारिश का से भी आप तापक्रम को कम कर सकते हैं, एक नंबर। दो नंबर, मैलिक हाइड्राजाइड नाम की एक हार्मोनल दवा आती है, इसको 20 लीटर पानी में 1 ग्राम घोल करके अपने फसलों के ऊपर लगाने जब जन्म जाता है उसके बाद से 15-20 दिन के उपरांत से लेकर के और 2-3 बार स्प्रे यदि आप करते हैं तो इस तरह की समस्या नहीं मिलती है। इनके अलावे में अगर आप मूली की खेती की हो तो मूली फटा रहता है उसके लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने खेतों में चूने का प्रयोग करें और बोरोन का प्रयोग करें जिससे कि आपका खेत में मूली फटे नहीं और उसका बाज़ार में दाम अच्छा मिले। अगर पत्ता पे कोई भी कीड़ा लगता है तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड और रोगर इन दोनों दवाओं को अदल बदल करके उपयोग में लाइए। एक बार इमिडाक्लोप्रिड लाते हैं तो दूसरी बार रोगर लाइए 15-15 दिन के अंतराल पर। इमिडाक्लोप्रिड 1 लीटर पानी में 1 ml और रोगर 1 लीटर पानी में 1.5 ml लगेगा। अगर फल से संबंधित कोई कीड़ा लगता है तो उसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड और मोनोकोटोफॉस नाम की दवा या क्विनोलफॉस नाम की दवा का प्रयोग कीजिए। क्विनोलफॉस या मोनोकोटोफॉस 1.5 ml 1 लीटर पानी में घोलना होगा। इमिडाक्लोप्रिड को तो 1 ml ही 1 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव करना पड़ेगा। ये किसी भी फसल के लिए है, चाहे वो बैंगन हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो अमरूद हो, आप सभी में यही चीज़ व्यवहार करके आप इन कीड़ों को रोकथाम कर सकते हैं। 100% की बात तो ये है कि आप बाद में जो करने चलते हैं उससे बेहतर है कि आप अपने फसलों की रक्षा हेतु उनका एक प्रकार का वैक्सीनेशन कराइए। वैक्सीनेशन कराने का मतलब है कि आप अपना जो भी बीज डालते हैं या बिचड़ा लगाते हैं उनका बीज उपचार या बिचड़ा उपचार करें। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप बेविस्टिन नाम की दवा से प्रति किलो बीज 2 ग्राम और बिचड़ा का उपचार करना है तो 1 लीटर पानी में 2 ग्राम दवा घोल करके और बिचड़े के जड़ वाले हिस्से को 10 मिनट तक डुबो करके और तब आप अपने खेतों में लगाएं। इससे भविष्य में आने वाली बहुत सारी बीमारियों से आपको निजात मिलेगा। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आकर के हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार किसान भाइयों। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ तो मास्टर जी, जो हमारे विशेषज्ञ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार द्विवेदी, ये तो बड़ा बढ़िया से बताया दिले कि अखन जैसे धान है और कुछ सब्जी मन है से कर कैसे कैसे हमरे अखन शुरुआत करी ला या कैसे जे खत लगाए चुकी से के देखभाल कर। बाकी हमके बुझाला कि जब सब्जी कर बात कर रही थी तो तनी सुन प्याज के बारे में भी अगर जानकारी दे देती। हां बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए ना आप, हमारे किसान भाइयों का सवाल पूछिए। हां तो असल जाने खोजी ला कि उन्नत खेती अगर करे खोजब प्याज कर तो काका कर सके, प्याज की खेती कैसे कर। हां बिल्कुल सही सवाल है किसान भाइयों। आप जानते हैं कि जो हमारा झारखंड राज्य है इसमें बहुत ज़्यादा सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और इसलिए हमारे बहुत सारे किसान भाई वो प्याज की फसल लगाने से डरते हैं। लेकिन आप बहुत आराम से प्याज की फसल कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। कैसे आप लगाएंगे इसकी, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र गिरिडीह आई हुई है और आज हमने विषय चुना है आपके लिए प्याज की उन्नत खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक मनोज कुमार जी, आइए इनका स्वागत करते हैं। मनोज जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज जी, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि प्याज की उन्नत खेती करने के लिए वो किन किन बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले तो हम लोग किसान भाई को बताते हैं कि जो प्याज के लिए हम लोग जो किस्म का प्रयोग करते हैं वो NDRF और एग्रीफाउंड लाइट रेड, एग्रीफाउंड डार्क रेड, ये दोनों हम सीजन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, बरसात में भी यूज कर सकते हैं इसको।
इसके लिए मुख्य रूप से हम इसका जो बीज दर हम किसान भाई को बताते हैं कि 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर बीज दर प्याज में इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम बेड तैयार करते हैं। बेड तैयार करने से पहले जो है हम एक थीरम नाम की दवा आती है जो 2 ग्राम पर ml के हिसाब से उसको दे करके हम लोग बेड को बना लेते हैं। उसके बाद वो 3 मीटर लंबा और 60 सेंटीमीटर चौड़ा वो बेड बना लेते हैं। बेड बनाने के बाद हम लोग वो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी 10 सेंटीमीटर ये हम लोग और एक रो में लाइन सोइंग करते हैं। हम लोग लाइन सोइंग करने के बाद हम लोग उसमें बीज को पहले उपचारित भी करते हैं। बीज को व्यवस्थित नामक दवा होती है जो 2 ग्राम पर ml के हिसाब से उसमें पानी में डाल करके उसको उपचारित करते हैं। बीज उपचारित करने के बाद जब पौधा हम लगा देते हैं तो उसमें फिर हम लोग कंपोस्ट डालते हैं। कंपोस्ट हम लोग 50 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग कंपोस्ट डालते हैं। उसके बाद हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं। उर्वरक का प्रयोग करने के लिए हम लोग NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास ये तीनों हम लोग 75, 50 और 50 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं। और जब हम उर्वरक डाल देते हैं तो हमारा करीब 110 से 120 दिन में हमारा पौधा तैयार हो जाता है। उसके बाद जब पौधा हमारा तैयार हो जाता है तो हम लोग उसमें जब पौधा बीच में खरपतवार भी हम लोग जो निकालते हैं, खरपतवार निकालने के लिए हम लोग बीच में किसान भाई को एक स्टॉम्प नामक दवा आती है जो कि उसका यूज करके हम लोग वीडिसाइड वीड को जो भी है उसको हम लोग मार के उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद जब हमारा फसल तैयार हो जाता है तो हम लोग उसको जब उसका पौधा जब देखते हैं कि वो पकने लगता है तब हम लोग उसको समझ जाते हैं कि फसल मेरा तैयार हो गया। और फसल तैयार होने के बाद एक दो बीमारी भी आती है जो कि उसमें हम लोग जैसे थ्रिप्स नामक की बीमारी आती है। थ्रिप्स नामक बीमारी आती है तो उसमें हम लोग एमिडा क्लोरोप्रिड नामक की दवा आती है जो कि हम लोग 2 ग्राम पर ml में घोल करके पानी में उसको यूज करते हैं। उसके बाद वो हमारा फसल तैयार हो जाता है। और इस तरह हम लोग किसान भाई को बताते हैं कि इन सब सारी बातों पर ध्यान अगर देंगे तो आपका फसल अच्छा होगा और आपको इसका उपज भी हमारा 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। इसलिए हम लोग किसान भाई को सजेस्ट करते हैं कि आप इन सारी बातों को ध्यान में रखें और खेती करें प्याज की। मनोज जी, आपने तो बताया कि प्याज की खेती करने के लिए इन सब बातों पर ध्यान देना है, तो अब सबसे बड़ी बात आती है सिंचाई की। सिंचाई हमारे किसान भाई कब और कितने समय पर करनी चाहिए, इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। पौधा को जब हम बेड पे रोप देते हैं उसके बाद सबसे पहले हम सिंचाई उससे 8 से 10 दिन के अंतराल में हम लोग उसको करते रहते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग को ध्यान देने की बात होती है कि नमी हमेशा मिट्टी में बने हुए रहना चाहिए। अगर मिट्टी में नमी नहीं बने हुए रहने से हम लोग 8 से 10 दिन के अंतराल पर हम लोग सिंचाई उसमें देते रहेंगे। दूसरी बात ध्यान देने की बात है कि जब हम लोग पौधा से जब लगाते हैं तो उसका पौधे के बीच की दूरी हम लोग 10 सेंटीमीटर रखते हैं और पंक्ति से पंक्ति का दूरी जो है 15 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसमें जब हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी हम लोग ध्यान देते हैं कि 75 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन, 50 केजी पर हेक्टेयर फास्फोरस और 80 केजी पर हेक्टेयर पोटास ये हम लोग यूज करते हैं उसमें। मनोज जी, ये तो बातें आपने बताई कि सिंचाई करनी होती है और दूरी बताती, अब सबसे बड़ी बात आती है हमारे किसान भाइयों के लिए कि लगाने के लिए खेत की तैयारी वो किस प्रकार करेंगे। पहले जब हम बेड तैयार करते हैं तो वो हम 3 मीटर लंबा और 60 सेंटीमीटर चौड़ा स्क्वायर वर्ग मीटर के हिसाब से हम लोग बेड तैयार करते हैं। और बेड तैयार करने के लिए सबसे पहले जो थीरम नाम की दवा आती है इंसेक्टिसाइड उससे हम उपचारित करते हैं मिट्टी में। वो हमारा 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में घोल करके उसको हम लोग यूज करते हैं। और जब बेड मेरा
कंप्लीट हो जाता है, बेड मेरा बन जाता है, तब हम उस पर रोपते हैं और तब हमको ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि पौधा से पौधा का दूरी हमारा 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और उसका पंक्ति से पंक्ति का दूरी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। मनोज जी, आप हमारे चलते चलते किसान भाइयों को क्या सावधानियां बताएंगे जिससे वो अधिक से अधिक मुनाफा ले सके? सावधानियां हम लोग किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि जो उसमें जैसे कुछ कीड़ा लगता है और जो खाद का प्रयोग हम लोग करते हैं तो खाद का हम लोग उचित मात्रा में खाद जो ज़रूरत है उतना ही हम लोग खाद का प्रयोग उसमें करेंगे और जो दवा हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं किसान भाइयों को बताते हैं वो दवा आप सही दुकान से लें और अपना उसको सही उसका जो रेट है उस हिसाब से आप यूज करें, समय पर यूज करें, आपको जरूर 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर आपको उपज होगी उसके लिए। मनोज जी, ये तो बातें आपने बता दी कि प्याज की खेती वो किस प्रकार करेंगे, अब बात आती है कि कैसे हमारे किसान भाई समझ लेंगे कि उनके खेतों में प्याज तैयार हो गया है और उसको कब वो निकाल के अपने घरों पर रखेंगे? जब हम लोग देखते हैं कि प्याज का पौधा आधा मेरा पत्ता जो है उसका पकने लगता है तो पकने के बाद हम लोग समझ जाते हैं कि मेरा प्याज तैयार हो गया है। उसके बाद हम लोग उखाड़ करके जब भंडारण करते हैं तो उसको उखाड़ के खेत में ही छायादार जगह पर उसको 3-4 दिन हम लोग छोड़ देते हैं। 3-4 दिन छोड़ने के बाद हम लोग उसको फिर जो है भंडारण करते हैं। तो देखा किसान भाइयों, मनोज जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी प्याज की उन्नत खेती के बारे में। मनोज जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मास्टर जी, प्याज के बारे तो बढ़िया से जानकारी मिल गेल, हमने सीख लेली कि अखन कैसे कैसे ओकर देखभाल करब तो बढ़िया खेती। आपने जो विशेषज्ञ मनोज कुमार जी ने बढ़िया से बता दिया, एकदम एकदम। तो अब अगला सवाल आप बताइए। पूछो। हाँ, मेरा देख लू तू। अरे अरे भाई, बिल्कुल, देखे ना, आपसे बातचीत करने में तो समय का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रहता। किसान भाइयों, अब हमें चाहते थे कि हम आपसे और भी बातें करें लेकिन हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो चलिए हम चलते चलते आपसे एक विनती ज़रूर कर लेते हैं। आप हमें ख़त लिखिए, अपनी बात लिखिए, अपनी समस्याएं लिखिए, अपने सुझाव लिखिए और इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारे घर पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो इसी पते पर आपका बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा हमें। हमारी पूरी टीम को यहीं पर दीजिए अनुमति। जोहार।